दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वाइटन जी यूट्यूब चैनल में। तो गाइस मैं दोबारा से लेकर आ चुका हूँ टेक्नो गेमर्स का लेटेस्ट अपडेटेड वाला वर्ल्ड, वो भी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड एडिशन के लिए। तो गाइस आप लोग बोलोगे भाई आज टेक्नो गेमर्स ने ऐसा कोई अपडेट किया ही नहीं है जो कि आप वर्ल्ड लेकर आए हो। तो गाइस मैं आपको सब कुछ ए टू जेड बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पता ही होगा कि टेक्नो गेमर्स ने आज की वीडियो में एडवांसमेंट्स कंप्लीट किया है। और मुझे पता है कि आप लोग का भी मन कहता होगा कि हम भी एडवांसमेंट कंप्लीट करें जैसे टेक्नो गेमर्स कर रहे वैसे भी हम करें। तो गाइस इसीलिए मैं इस वर्ल्ड के अंदर एडवांसमेंट का भी ऑप्शन लेकर आ चुका हूँ, वो भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए। जी हाँ गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा होगा आपको उस पर क्लिक करना है। और गाइस जैसे आप लोग देखते हो, जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे माइनक्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सारे अचीवमेंट्स दिख जाएंगे और साथ ही साथ नीचे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कैसे इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देखते हो भाई बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, बहुत ही तगड़े तगड़े सब कुछ बन चुका है और एकदम मस्त है। और गाइस आपको पता होगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लॉक का अचीवमेंट है जो कि टेक्नो गेमर्स ने सबसे पहले अचीवमेंट में ही किया था और आप लोग को पता होगा। तो भाई कुछ इसी तरह ये अचीवमेंट आप भी कर सकते हो भाई, बहुत तगड़ा है। और साथ ही साथ कुछ अचीवमेंट्स है जैसे कि अगर हम आयरन पिकेज ले तो वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने आयरन पिकेज लिया और आप देख सकते हो यहाँ पे एडवांसमेंट में इजंट इट पिक आयरन, देखो यार यहाँ पे एडवांसमेंट आ चुका है। साथ ही साथ अगर मैं डायमंड लेता हूँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसका एडवांसमेंट आ चुका है। तो कुछ इसी तरह से आएगा और आपको जो भी एडवांसमेंट कंप्लीट करना है आप उधर से जाकर देख सकते हो, ए टू जेड सब तगड़ा है। और साथ ही साथ अगर आप लोग ने इधर तक वीडियो देख ही लिया है तो अब अपडेट भी देख लो जो टेक्नो गेमर्स ने अपने कासल के अंदर किया है, और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ भाई वो अपडेट कहाँ पे और कैसे किया है। तो फटाक से चलते अपने कासल के अंदर और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो वैसे आपको पता होगा कि ये जो थ्रोन है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा डेडमैन का हेड था बट अभी यहाँ पे क्रीपर का हेड है क्योंकि टेक्नो गेमर्स ने भी डाला तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे डाल दिया है। साथ ही साथ हमारा एक और अपडेट है भाई, वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा, ये तो सिर्फ कुछ नहीं था और मैं आप लोग को वो अपडेट भी दिखा देता हूँ। वो है हमारा विलेजर्स ट्रेडर हॉल के अंदर। जी हाँ गाइस, अब आप लोग बोलेंगे कि भाई कौन सा अपडेट है, दिखाओ, उधर जाके दिखा देता हूँ। ये हमारा विलेजर्स ट्रेडर हॉल और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ विलेजर्स हैं जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे चार विलेजर्स है। और साथ ही साथ मैं आपको अंदर का दिखा देता हूँ, जो मेन अपडेट है वो दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको पता होगा कि यहाँ पे उन्होंने ब्लैक बेल्ट डाला, वहाँ पे व्हाइट बेल्ट डाला, साथ ही साथ बीच में उन्होंने दो चेस्ट डाले तो मैंने भी डाल दिया और बाकी सब तो वैसे ही था जैसा है। तो भाई देख सकते हो भाई ए टू जेड सब कुछ टेक्नो गेमर्स जैसा अपडेट मैंने कर दिया है। और साथ ही साथ मैं उस वीडियो को और भी ध्यान से देखूंगा और काफ़ी कुछ अगर अपडेट मुझे दिखता है तो भाई वो भी कर दूंगा, क्योंकि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा टेक्नो गेमर्स के कासल से रिलेटेड। और साथ ही साथ मैं लेटेस्ट अपडेट भी लाता हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इस वर्ल्ड को अपने माइनक्राफ्ट एंड्रॉयड के अंदर ले सकते हो। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ओके गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपने जेडर अचीवर पे। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाना, उस फाइल को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना जेडर अचीवर ओपन कर लेना है और आपने जिस भी फोल्डर में उस फाइल को डाउनलोड किया है उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को डाउनलोड किया है, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का फाइल आ जाएगा, सिर्फ 19 MB का है। गाइस आपको इसको टच करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आपको वीडियो में रैंडमली मिल जाएगा। वीडियो को शुरू से पूरा एंड तक देखना, जरूर मिलेगा। तो मिलता हूँ मैं आपको पासवर्ड डालने के बाद। तो क्या गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का फाइल आ जाएगा, आपको क्या करना है इसको प्रेस करके रखना है, यहाँ पे कट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऊपर डिवाइस मेमोरी में जाना है, यहाँ पे गेम्स फोल्डर में जाना है, कॉमडाउन मोजांग में जाना है, माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स में जाना है और सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है इसलिए मुझे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, आपने पेस्ट नहीं किया होगा तो आपको स्किप ऑप्शन नहीं आएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना माइनक्राफ्ट ऑन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप लोग अपना माइनक्राफ्ट ऑन करते हो, प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, वर्ल्ड आपको आ जाएगा। आप पे क्लिक करोगे आपका भी वर्ल्ड चलने लगेगा और आप लोग भी इसके अंदर खेल पाओगे, साथ ही साथ अचीवमेंट्स भी कंप्लीट कर पाओगे टेक्नो गेमर्स की तरह। तो यार आज के सारे वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को आके लाइक कर देना, चैनल पे जो भी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार आज के वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। I'm not afraid of the dark.